नमस्कार। जापानीज लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, इतना लंबा कैसे जीते हैं और इतना एक्टिव कैसे रहते हैं? जापानीज लोगों के बारे में आपने सुना होगा, वो सबसे ज़्यादा लंबा जीते हैं इस दुनिया में और उनकी प्रोग्रेस आपने देखी होगी। दुनिया में सबसे विकसित देश जापान है। तो आखिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, ये हमेशा लंबा जीते हैं और ये आखिर ऐसा क्या करते? एक बुक आई थी इकिगाई नाम से। इस बुक में जापानीज लोगों के ऊपर रिसर्च किया था, आखिर ये लोग इतना लंबा कैसे जीते हैं, आखिर ये लोग इतना खुश कैसे रहते हैं, आखिर ये लोग इतना एक्टिव कैसे रहते हैं, आखिर ये लोग इतना तरक्की कैसे करते। तो जापानीज लोग सबसे पहले क्या करते हैं पता है आपको? वो बकवेट नहीं खाते। वो खाना खाते हैं ना सिर्फ काम करने के लिए, वो खाने को ठूसते नहीं है। वो हमेशा 80% खाना ही खाते हैं, 20% हमेशा भोग रखते हैं। उससे क्या होता है, उससे उनका पाचन अच्छा होता है, डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है और आलस और नींद नहीं आती। सबसे पहले वो खाने को कंट्रोल करते हैं और वो हमेशा हेल्दी चीज़ें खाते हैं। वो हर कुछ अटम सटम वटम नहीं खाते। उनको पता है कि हेल्थ इज द वेल्थ। अगर अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जापानीज लोग अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं, हमेशा भरपेट नहीं खाते। वो रिटायर होने के बाद भी एक्टिव रहते हैं। ध्यान रखना, जापानीज लोग अपने काम को पूजा मानते हैं। अगर आप उनको कहो कि फ्री बैठे रहो तो वो फ्री बैठे नहीं रहेंगे। वो रिटायर होने के बाद भी काम करते रहते हैं और रिटायर होने के बाद भी एक्टिव रहते हैं। यही काम करने की आदत उनको एक्टिव रखती है और उनको लंबा जीना सिखाती है। क्योंकि जब तक इंसान का शरीर एक्टिव रहता है, जब तक आप काम करते रहते हो तो आपका शरीर एक्टिव रहता है और आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती है और आप लंबा जीते हैं। तो जापानीज लोग काम को पूजा मानते हैं और रिटायर होने के बाद भी वो एक्टिव रहते हैं। हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। जापानीज लोगों को पता है कि हम अपनी संगत अच्छी होगी, अपने दोस्त अच्छे होंगे तो अपने व्यवहार भी अपना अच्छा होगा, अपनी माइंड भी पॉजिटिव होगा, अपनी सोच भी पॉजिटिव हो। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ में अपना समय बिताते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं और अच्छे दोस्तों के साथ में अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करते हैं। उनको पता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन उनको पता है कि थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकालना होता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ में, यार लोगों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम बिताते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ ही टाइम बिताते हैं, हर किन्हीं दोस्तों के साथ में टाइम नहीं बिताते हैं। जापानीज लोग धन्यवाद देते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को धन्यवाद देते हैं। वो आभार मानते हैं। वो आभार भगवान का भी मानते हैं कि हे प्रभु, आपने दिया जो हमें अच्छा दिया है। वो हमेशा अपने जीवन को लेकर दुखी नहीं रहते हैं। भगवान को ऐसा नहीं कहते, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करते। वो जैसा है वैसा भगवान को धन्यवाद देते हैं, लोगों को धन्यवाद देते हैं, लोगों की सराहना करते हैं। और जापानीज लोग को आपने देखा होगा, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कहते हैं ना कि आप मुस्कुराते हो ना तो आपके शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखा करो, चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान होनी चाहिए। आप अगर आपका चेहरा उदास होगा, हताश होगा, निराश होगा तो सामने वाला आपके पास कभी नहीं बैठेगा। वो तो यही कहेगा, यार हर वक्त ये उदास रहता है, हर वक्त ये निराश रहता है। तो चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखा करो। तो जापानीज लोगों की ये सीक्रेट होते हैं, इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा लंबा जीते हैं।